नमस्कार साथियों, साहित्यवाणी यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है अष्टछाप। गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी के आसपास अपने पिता पुष्टिमार के संस्थापक महाप्रभु वल्लभाचार्य के चार शिष्य तथा अपने 252 शिष्यों में से चार प्रधान शिष्यों को लेकर संगीतज्ञों की एक टोली का निर्माण किया था, जो अष्ट सखा या अष्ट छाप के नाम से जाने जाते हैं। अब अष्ट छाप में महाप्रभु वल्लभाचार्य एवं विट्ठलनाथ के चार चार शिष्य थे, दोनों के चार चार शिष्य थे, कुल आठ, इसलिए ये अष्ट छाप या अष्ट सखा के नाम से जाने गए। अब परीक्षा में प्रश्न ये आता है कि निम्न में से वल्लभाचार्य के शिष्य कौन नहीं है, या वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन है। तो वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों को अलग अलग याद करना रखना बड़ा मुश्किल है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने वल्लभाचार्य के शिष्य और विट्ठलनाथ के शिष्यों को अलग अलग याद करने के लिए एक ट्रिक का निर्माण किया है, जो आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो वल्लभाचार्य के शिष्यों को याद रखने की ट्रिक है सुपर कुक। ये शब्द आपको याद रखना है, सुपर कुक। असु से सूरदास, पर से परमानंददास, और कु से कुंभनदास, और क से कृष्णदास। तो ये हो गई वल्लभाचार्य के शिष्य को याद रखने की ट्रिक सुपर कुक। और इसी तरह विट्ठलनाथ के जो चार शिष्य थे उनको याद रखने की ट्रिक है गोचर छीन। गोचर छीन, गो गोविंददास, चर चतुर्भुजदास, और छी छीत स्वामी, और ना से नंददास। तो ये थी विट्ठलनाथ के शिष्यों को याद करने की ट्रिक। अब बात कर लेते हैं अष्ट छाप से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो वल्लभाचार्य के कुल शिष्य 84 थे और विट्ठलनाथ के कुल शिष्य 252 थे। कुंभनदास प्रथम अष्ट छाप कवि थे, इन्होंने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण की थी। और कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही एक बार सीखरी गए थे, जिस पर अफसोस करके इन्होंने लिखा था कि संतन को कहा सीखनी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। और कुंभनदास और चतुर्भुजदास पिता पुत्र हैं, यानी कुंभनदास पिता हैं और चतुर्भुजदास उनके पुत्र हैं। यानी कुंभनदास जो हैं वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं और चतुर्भुजदास विट्ठलनाथ जी के शिष्य हैं, और इनमें आपस में पिता पुत्र का संबंध है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की विट्ठलनाथ के शिष्य और वल्लभाचार्य जी के शिष्यों को अलग अलग याद रखने की ट्रिक।